आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय डाक विभाग गोरखपुर मंडल के द्वारा भारत विभाजन एक विभीषिका प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपने कर कमलों द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया तथा लगे हुए प्रदर्शनी को राज्यसभा सांसद ने बारी बारी से 11 चित्र को देखा तथा डाक विभाग के अधिकारियों द्वारा उनको अंगवस्त्र से सम्मानित भी किया गया, जिसके संबंध में राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया कि जो देश अपने इतिहास से आंख बंद करता है उस देश के इतिहास भूगोल बदल जाते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार है कि देश के विभाजन का सच्चा इतिहास भारत के हर नागरिक के सामने रखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से करोड़ों की संख्या में लोग भारत आए, रास्ते में उनका कत्ल किया गया, देश की आज़ादी की लड़ाई का ऐतिहासिक भावार्थ है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया कि सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। इस अवसर पर जनरल पोस्टमास्टर बीके वर्मा, निदेशक वीवी सरण, सहायक निदेशक उमेश कुमार, प्रवर मास्टर विनय कुमार, मनीष कुमार सहित डाक विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, ऐतिहासिक प्रदर्शन इस विशेष अवसर पर आज के कार्यक्रम काशी दिन गोरखपुर थे निदेशक डाक सेवाएं गोरखपुर, माननीय प्रवर निरीक्षक महोदय गोरखपुर मंडल गोरखपुर, कार्यक्रम स्थल को आते हुए डाक परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, सभी अधिकारीगण, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधान डाकघर के समस्त अपना सेवा अनुरोध करते रहेंगे। बाकी साथियों से अनुरोध है शीघ्रता से कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हों। अवसर पर आपके आगमन से डाक विभाग गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत सरकार के सराहनीय प्रयास बनाने का जो शानदार पहल भारत सरकार ने किया है, एक करते हुए धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। एक बार पुनः सम्मानित करें, धन्यवाद सर, एक बार सम्मानित करें, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होना है। ये देश का दुर्भाग्य है, इस देश के लोग न तो देश के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास जानते हैं,
और न ही ये जानते हैं कि इस देश की आज़ादी के लिए कितना बलिदान हुआ, न ही ये जान पाते हैं कि अगर तत्कालीन राजनीतिक नियंताओं ने तय किया होता तो न तो देश का बंटवारा हुआ होता और न वो जो करोड़ों ऐसे भारत के नागरिक जिनकी निर्मम हत्याएं की गई वो हत्याएं हुई होती। ये बहुत शर्मनाक और दुखद है जो देश अपने इतिहास से आँख मूंदता है उस देश का इतिहास बदल जाता है, उस देश का भूगोल बदल जाता है। हम आभारी हैं अपने भारत सरकार के और माननीय प्रधानमंत्री के जिन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि देश के विभाजन का सच्चा इतिहास भारत के हर नागरिक के सामने रखना चाहिए। आपने कुछ फोटोग्राफ देखे होंगे, यह फोटोग्राफ अपने आप में बड़े विभत्स हैं। इन फोटोग्राफ्स को एक प्रतीक के रूप में आप मान सकते हैं। इसके पीछे की जो कहानी है, कभी गोरखनाथ के जो सिंधी कॉलोनी में बसे हुए लोग हैं उनसे जाकर के पूछिएगा। भारत से, पाकिस्तान से और पूर्वी पाकिस्तान से और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से करोड़ों की संख्या में लोग आए, रास्ते में उनका कत्लेआम किया गया। एक अजीब सी सांप्रदायिक विद्वेष का वो चरमोत्कर्ष था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने जो भारत से गए उनकी प्रॉपर्टी आज तक सुरक्षित रखी है इनमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, और हमारे जो नागरिक वहाँ से आए उनके सारे मसानों को तहस नहस करके उनके कब्जा कर लिया गया। तो देश की आज़ादी की लड़ाई का भयावह इतिहास, मैं आभारी हूँ अपनी सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री का जिन्होंने इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का, एक सच को सच की तरह कहने का बीड़ा उठाया है, और आज उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम में हैं।